हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके साथ साथ सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, उसी के हिसाब से सारा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि बेस्ट तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। उसके साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब एक बार अगर आप मेरा कोड नवीन1 यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके कोर्स का आपकी एक्सेस होगी। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और जितनी भी पेड क्लासेस है वो सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही कंडक्ट की जाती है। एंड्रॉइड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है, यूपीएससी फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ और ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो unacademy_nawintawar पे जाके आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर अनअकैडमी पे आप मेरे बाकी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर नाम से मेरे प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस, IR हो, ज्योग्राफी, साइंस टेक, NCERT, हिस्ट्री, ऑप्शनल एनवायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेकर 3 ईयर तक का आपके पास ऑप्शन है। 1 ईयर की जो फी है 49,500, 2 ईयर की 70,000 और 3 ईयर की है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आइकॉनिक। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है? आपको एक कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान होगी और आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये भी आपके सामने 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन में अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर की फीस है 1,07,000 और 3 ईयर की फीस है 1,41,000। अगेन मेरे रेफरल कोड नवीन1 को अगर आप यूज करते हो तो आपको 9% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप अपने ऑप्शनल कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से वो भी तैयार कर सकते हैं। 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का आपके पास ऑप्शन है। 1 ईयर फीस 27,500, 2 ईयर 40,000 और 3 ईयर 50,000। अगेन मेरा रेफरल कोड अगर आप नवीन1 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, हर महीने में 2 बार अनअकैडमी कॉम्बैट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है जो इस महीने 6 दिसंबर को और 20 दिसंबर के दिन कंडक्ट होगी। टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे। इसमें क्या होगा, 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस होंगे और रिलेटिव स्कोरिंग दी जाएगी और ये हर अल्टरनेटिव संडे पे ये कंडक्ट होगा। इसमें जो भी विनर होगा, फर्स्ट विनर को एप्पल मैकबुक एयर मिलेगी, सेकंड विनर को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल के एयरपॉड्स मिलेंगे और उसके बाद टॉप 100 रैंकर्स को ₹1,000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कुल मिला के बात यही, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड नवीन1 को यूज करना होगा ताकि मैं आपको मेंटर कर सकूं, पर्सनली मैं आपको गाइड कर सकूं। उसके साथ ही आप अनअकैडमी में मेरे प्लस कोर्स नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि को देख सकते हैं। जो आज का हमारा सेशन है, जैसे कि आप सभी जानते हो, कोर्स की जो फीचर है डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर MCQs और टॉपिक ऑफ द डे। तो शुरू करते हैं 3 दिसंबर का करंट अफेयर। यहाँ पे अफेयर MCQs लिखा है, पहले MCQ नहीं करेंगे, पहले करंट अफेयर को ही देखेंगे। स्टूडेंट ये देखिए, ये जो टॉपिक है ये जाएगा आपका जनरल स्टडीज पेपर 3rd में, ओके, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी जाएगा। टॉपिक क्या है, देखो CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट।
इसने ये बोला है कि जो भारत में जो हनी है, हनी मतलब जिसको आप शहद बोलते हो, जो बेचा जा रहा है और मेजर जो ब्रांड्स है उसके, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया है पतंजलि भी, डाबर भी, इन सब का नाम लिया है, उन्होंने बोला कि उसके अंदर शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में फेलियर हुए है, जिसको लेके काफी मतलब हाथोबा मच गई है अभी। इसी में फिर FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी बोला है कि मैं इस पूरे मामले की जांच करूंगी। पूरा मामला क्या है, मुद्दा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, शहद पर CSE की जांच। ओके, ये CSE है क्या? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी जांच में भारत के प्रमुख शहद निर्माता के, जो शहद निर्माता ब्रांड है डाबर, पतंजलि और भी 13 ऐसे ब्रांड है आदि की शहद गुणवत्ता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इन्होंने बोला है कि भारत में या इंटरनेशनल मार्केट में जो शहद बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता उस स्तर की नहीं है, बहुत सारे टेस्ट में ये फेल हो गए। CSE के अनुसार 13 में से 10 शहद के जो ब्रांड है इंडिया में, उनमें से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR एक टेस्ट होता है जिसमें ये असफल सिद्ध हुए। मतलब 13 शहद के जो ब्रांड थे उनमें से 10 क्या हुए, फेलियर हुए हैं। कौन से टेस्ट पे? NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये NMR टेस्ट क्या है ये जानते हैं। ये जो NMR टेस्ट है ये मॉलिकुलर लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को, कंपोजिशन को क्या बताता है, संगठन मतलब कंपोजिशन, किस किस से मिलके बना है उसका पता लगा सकता है। तो इस टेस्ट के अंदर 13 में से 10 इंडिया के शहद के जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उनके शहद पे इसने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि सब फेलियर रहे हैं। CSE के अनुसार इन 10 ब्रांड में से तो 3 जो ब्रांड है, इवन जो भारत के, चलो आपने ये बोला कि भारत NMR के इस स्टैंडर्ड को नहीं मानता, उसके अलावा जो भारत जिन स्टैंडर्ड्स को मानता है जिनका निर्धारण FSSAI द्वारा किया गया, ये क्या कह रहा है, 10 ब्रांड तो ऐसे थे उनमें से 3 ब्रांड भारत के खुद के जो गुणवत्ता के मानक है उसको पूरा नहीं कर पाए। पर उल्लेखनीय है कि जो ऊपर ये जो 13 ब्रांड के ऊपर टेस्ट किया गया ये एक जर्मनी की एक लैब द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने NMR इस टेस्ट का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर देखो मामला क्या है, विदित हो कि 1 अगस्त 2020 से भारत से निर्यात होने वाले शहद के लिए NMR परीक्षण जरूरी है। देखो जो शहद है इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन भी है इसका, घरेलू रूप से भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम सबके घरों में मिलेगा ये आपको, उसके साथ हम इसको फॉरेन में भी, विदेशों में भी बेचते हैं। तो जो विदेशों में, देखो ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स इंडिया मानता है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देश भी माने, यूरोप भी माने, अमेरिका भी माने, तब यूरोपियन कंट्रीज ने बोला है कि अगर जो शहद, अगर इंडिया से, अगर इंडिया से शहद कहां जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज में जाएगा, तब उसको NMR एक टेस्ट होगा, अगर वो इसमें वो शहद की क्वालिटी सक्सेसफुल टेस्ट हो जाती है तभी उसको यूरोपियन मार्केट में उतारा जाएगा। तो ये 1 अगस्त 2020 से लागू हो गए कि भारत से बाहर जाने वाला कोई भी शहद है वो तभी जाएगा अगर वो NMR परीक्षण में पास करता है। तो वर्तमान विनियमों के तहत किसी भी शहद उत्पादक को प्योर हनी का अगर दर्जा देना होता है, मतलब अगर डाबर वाला, पतंजलि वाला अपने हनी की डिब्बी पे, डब्बे पे लिखता है कि ये प्योर हनी है, तो वो कब होगा, जब उसको 18 मानदंडों को फॉलो अप करना होगा। ये 18 मानदंड है, इतने स्टैंडर्ड अगर वो पूरा करेगा तभी उसको प्योर हनी का स्टेटस दिया जाएगा। जैसे ही CSE ने ये बात बताई, CSE का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो भारत में जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का ध्यान रखने वाला जो एक अथॉरिटी है उसका नाम है FSS
एआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बोला है कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। तो यहां पे ये चर्चा में आ गई, तो ये भी जानना जरूरी है कि FSSAI है क्या। ओके, तो देखते हैं इसकी फुल फॉर्म है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने इस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है भारत सरकार का 2006, उसके तहत इसका गठन किया गया FSSAI का। अब ये कौन से मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित है। और FSSAI मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। मतलब अगर भारत में कोई भी खाद्य प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के लिए सुरक्षित जो मानदंड है उनको निर्धारित करने का काम क्या करता है? ये करता है। आप कुछ भी देखना, आप मैगी देखना, मैगी नूडल्स देखना स्टूडेंट्स, कुछ भी खाद्य प्रोडक्ट आप देखोगे ना, उसके ऊपर आप ऐसे देखना, उसके बैक साइड पे ऐसे FSSAI ये भी लिखा होगा कि फसाई द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है या इसको अप्रूवल दिया गया है कि इस प्रोडक्ट को भारत में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा जागरूक बनो, तो जब भी कोई खाद्य पदार्थ देखो उस पर ये देखो क्या FSSAI के द्वारा वो प्रमाणित है या नहीं। तो ये FSSAI करता क्या है? खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उनकी बिक्री के जो मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उनको बनाए रखने में ये ही मदद करता है। और कौन से मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। आगे चलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां पे जाएगा? ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, साइंस टेक हेल्थ का इश्यू है ये, पेपर थर्ड में जाएगा मुख्यतः। अब मुद्दा क्या है? AMR, आपने नाम सुना होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको लेके दरअसल ये बोल रहे हैं कि अभी तो हम COVID-19 पेंडेमिक से परेशान है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर इंसान ने अपनी ड्रग हैबिट्स को, अपने दवाइयों की हैबिट्स को नहीं बदला, तो जो नेक्स्ट सबसे बड़ा खतरा है वो है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये पूरा AMR का मुद्दा क्या है, इसको लेके राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या काम हो चुके हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मेंस में भी और ये प्रीलिम्स में भी सीधे आने वाले क्वेश्चन है ये। अब समझते हैं, ये आज के द हिंदू की खबर है और ये भी, ये देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसको हम बोल लेते हैं AMR। देखो अभी लैंसेट मतलब एक जर्नल है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये बहुत सारे स्टडीज को पब्लिश करता है। लैंसेट में एक अध्ययन स्टडी पब्लिश हुई है, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर AMR मतलब ग्लोबली AMR का जो लेवल है वो चिंताजनक स्तर से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में 35% ऐसे संक्रमण है जो उपलब्ध दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो चुके हैं। तो ये पूरा मामला समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम AMR को समझे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या। देखो जब भी कोई, यहां पे मैंने बताया कोई सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया है, विषाणु है, फंगस है, पैरासाइट्स है आदि का इलाज हम क्या करते, एंटीबायोटिक्स दवाओं के खिलाफ। मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटल इन्फेक्शन हो गया, इनके खिलाफ हम क्या इस्तेमाल करते, एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन दवाओं के विरुद्ध ये सूक्ष्म जीव कौन से, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक और परजीवी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब उसको बोला जाता है AMR। कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर आपकी एंटीबायोटिक्स दवाएं, जो एंटीबायोटिक आपकी मेडिसिन्स है, अगर उन्होंने किस पे काम करना बंद कर दिया, बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, कवक के ऊपर और परजीवी के ऊपर, मतलब उनके ऊपर काम करना बंद कर दिया, यानी कि इन जो सूक्ष्म जीवों ने उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली, यानी कि वो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स अब किसी काम की नहीं। देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप में से किसी को भी कुछ होता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, सीधा आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, भैया कोई दवाई दे दो 2-3 दिन की जिससे कि मेरा ये बुखार उखार खांसी वासी हो रही है वो ठीक हो जाए। अब वो मेडिकल स्टोर वाला क्या होता है, मेडिकल स्टोर वाला है और बहुत सारे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का कितनी डोज जानी चाहिए, क्या एंटीबायोटिक दी भी जानी है या नहीं दी जानी, वो आपको दे देता है। आपने 2 दिन खाई, आपको लगा मैं ठीक हो गया, खत्म मामला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी भी मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली उससे आपको ही हानि हो रही है और वो हानि सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पूरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में उसका प्रभाव आएगा। एक एक करके मैं सब बताऊंगा आपको आज। तो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स है, जो आप टैबलेट्स लेते हो, जो दवाइयां लेते हो, उनका इस्तेमाल अंधाधुंध ना किया जाए, सोच समझ के उनका इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपका कोई भी किसी भी तरह का थ्रॉट इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का कोई घाव है जिसको भरने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, तो वो क्या होगा, वो असर करना बंद कर देगी। ओके, तो ये देखो, तो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 7 लाख लोग बाजार में उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ये दवाएं रोगाणुओं के प्रति कम प्रभावशाली पाई गई। दरअसल क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, जैसे एंटीबायोटिक्स की जो पोटेंसी आती है 200 mg का, 500 mg का, 600 mg या 650 mg, इस तरह के एंटीबायोटिक आते हैं। ये ड्रग्स आपने, इतने बड़े हो चुके हो, आपने कभी ना कभी देखा होगा इनको। अब क्या होता है, शुरुआत में 200 mg काम कर जाती है, धीरे धीरे पता लग रहा है 200 mg की इस ड्रग ने काम करना बंद, 500 mg काम कर रही है, कुछ दिनों अगर आपने इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया, एक टाइम के बाद 500 mg भी काम करना बंद कर देगी, फिर आप हायर डोज पे जाओगे। तो जैसे जैसे हायर डोज पे जाते हो और बिना, क्योंकि इनका एक साइकिल होता है स्टूडेंट, कि एक प्रॉपर कोर्स होता है वो कंप्लीट करना जरूरी होता है। कई बार आपको लगता है डॉक्टर ने तो 5 दिन का एंटीबायोटिक लिखा, आपको लग रहा है मैं तो 2 दिन में ठीक हो गया, तो आपने बाकी 3 दिन का वो कोर्स छोड़ दिया, इससे आपको नुकसान है, क्योंकि उस कोर्स को कंप्लीट होने के लिए 5 डेज आपको वो खानी है तो खानी है, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ कि मैं 2 दिन में ठीक हो गया। तो ये लैंसेट क्या कह रही है, हर साल दुनिया में 7 लाख लोग इसीलिए मर रहे हैं कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक मेडिसिन ने असर करना बंद कर दिया, और आपके इलाके, आपके पास कोई मेडिसिन ही नहीं है, आपके पास ऐसी मेडिसिन नहीं है कि फिर इन पैथोजेंस का इलाज किया जा सके। तो भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं को सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश है, याद रखना, इंडिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है एंटीबायोटिक मेडिसिन का, जो कि एक गंभीर समस्या है। आगे चलते हैं। अब इस AMR ये हुआ कैसे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हो गई इनके अंदर, मतलब जो आपके बैक्टीरिया थे, जो आपके वायरस थे, बैक्टीरिया वायरस थे, फंगल इन्फेक्शन था, उसके अलावा जो आपका पैरासाइटल इन्फेक्शन था, ये क्यों डेवलप कर लेते हैं, मतलब प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं। तो जो वैज्ञानिकों का कहना है कि दरअसल इन बैक्टीरिया वायरस फंगस और पैरासाइट्स के अंदर नेचुरल एक इम्यूनिटी होती है, ये नेचुरली भी खुद अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं, तो सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से एंटी माइक्रोबियल एजेंट के प्रति सुरक्षा तंत्र को विकसित कर लेते हैं, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ ये हुआ इंसान के इंटरफेरेंस से, मानव के द्वारा इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ छेड़खानी से क्या हुआ, इन एंटी माइक्रोबियल का दुरुपयोग व अत्यधिक उपयोग होने लगा, मतलब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं थी, आपने फिर भी एंटीबायोटिक खा ली। तो जिस बैक्टीरिया पे जाके वो अटैक कर रहा है, होगा वो शुरुआत में उससे ठीक भी होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। तो ये तो नेचुरल एक प्रोसेस है, लेकिन मानव ने उस प्रोसेस को एक्सिलरेट कर दिया। तीसरा है प्रदूषण। ये देखो प्रदूषण से भी AMR ये लैंसेट की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है, क्योंकि 80% एंटीबायोटिक दवाई, देखो होता क्या है, एंटीबायोटिक्स तो आप क्या कर रहे हो, आप इंसान भी खा रहा है,
आप जानवरों को भी खिला रहे हो, आपके जो घर के पशु और मवेशी है उनको भी तो दी जा रही है। तो ये जब दवाएं दी जाती है पशुओं को, इंसानों को, तो क्या होता है उसमें से 80% जो दवा है इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, आपकी बॉडी में उपापचय नहीं हो पाता, तो जो बैक्टीरिया है वो आपके मल के साथ बाहर निकल जाएंगे, या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे या आपके जो आपका जो मल है उसके थ्रू बाहर निकलेंगे। और फिर क्या होगा, फिर उसके अलावा घरों से फार्मास्यूटिकल जो फैसिलिटीज है, जहां फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहां से, और एग्रीकल्चर के रन ऑफ के कारण ये सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधकता निरंतर बढ़ती चली जाती है। देखो कितने सारे कारण हुए आपने, तो क्या हुआ जो एंटीबायोटिक है इसने क्या बोला, 80% जो एंटीबायोटिक दवाएं है वो बिना ही क्या मेटाबॉलिज्म हुए जितने भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो मल के साथ बाहर निकल गए, मल के साथ बाहर निकले, उसके साथ घरों से, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी से, एग्रीकल्चर रन ऑफ से, धीरे धीरे इन सब जगह पे, क्योंकि एंटी जो बायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है किसी ना किसी लेवल पे, तो इन जीवों की प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम पता है क्या है कि जितने भी आप वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी प्लांट है, मतलब जहां पे आपका गंदा जल साफ होके आता है, संदूषित जल को शुद्ध किया जाता है, जितने भी प्लांट है उन सभी में सभी एंटीबायोटिक्स और प्रतिरोधी बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए सक्षम नहीं है। तो क्या आ गया, घूम के फिर पानी में, क्योंकि मरे नहीं वो एक बार आने के बाद, क्योंकि सारे के सारे तो आप सबको आप प्योर नहीं कर सकते, तो वो आपके खाने में आ गए, वो आपके फूड में आ गए, तो वापस से ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएंगे वो। तो एक ऐसी चेन डेवलप हो जाएगी कि जिससे कि इनके इनके खिलाफ जो लास्ट लाइन ऑफ ड्रग, ये क्या होता है, लास्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है कि बहुत सारी दवाई दे दी जाती है, लास्ट में एक ऐसी अंतिम दवाई ऐसी बचती है जिसमें ये बोला जाता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई ये लास्ट दवाई है, अगर इससे ठीक हो गया तो हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोटेंसी वाली, सबसे ज्यादा प्रभाव वाली दवाइयां है। तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर इन्होंने इतनी ज्यादा प्रतिरोधकता डेवलप कर ली तो लास्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो भी इनके प्रति अप्रभावी हो जाएगी, वो भी इन पे अटैक नहीं कर पाएगी, इनको ठीक नहीं कर पाएगी, फिर लास्ट में बन जाते हैं सुपर बग, आपने नाम सुना होगा ना सुपर बग, फिर इनका कोई इलाज नहीं है। ये इंसान अगर इनसे इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्शन आया, तो फिर खुदा ही उसका मालिक है। फिर देखो एएमआर की समस्या से निपटने के लिए फिर हमने किया क्या है, दुनिया भर पे हुआ क्या क्या है। तो साल 2017 में फ्रंटियर रिपोर्ट थी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, उसने बोला कि एएमआर छठे उभरता पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में आइडेंटिफाई किया, यानी कि छठा सबसे बड़ा मेजर एनवायरमेंटल इश्यू है एएमआर, इससे दुनिया भर में जागरूकता फैलाई गई। उसके बाद संयुक्त राज्य की जो एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, उसने मानव, पशु और पादप सुरक्षा और खाद्य, फूड और पर्यावरणीय क्षेत्र में एएमआर की समस्या से निपटने के लिए क्या डेवलप कर रहे हैं, ये वन हेल्थ एएमआर ग्लोबल एक्शन प्लान, इसको विकसित करने के लिए काम कर रही है यूएन। उसके अलावा इंडिया में हम क्या काम कर रहे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जब भी कोई पर्यावरणीय नीति बनाई जाएगी, जब भी कोई नया कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, कोई भी नई योजना लेके आएंगे, उसमें एएमआर को शामिल किया जाए, ये अनुशंसा है कि आने वाले टाइम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी पर्यावरणीय नीतियां बना रही है, कार्यक्रम बना रहे हैं, उसके अंदर हम एएमआर को कंसिडर करेंगे कि क्या हम एएमआर की समस्या से निपट पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद साल 2019 में भारत ग्लोबल एएमआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो ये एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, इसका मेंबर होने से भारत को क्या फायदा मिलेगा, इसकी भागीदारी से भारत जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मौजूदा क्षमताओं का, उनके रिसोर्सेज का, और जो कलेक्टिवली जितने भी अनुसंधान और विकास गतिविधियां हो रही है एएमआर के विरुद्ध,
इसकी समस्या से लड़ने के लिए जितनी भी वैश्विक स्तर पे जितने भी संस्थान, जितने अनुसंधान, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, भारत उससे बेनिफिट हो पाएगा। तो लास्ट ईयर ही भारत किसमें शामिल हुआ, AMRRND एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ये नाम याद रखेंगे आप। ओके, उसके बाद आपका एक होमवर्क है, आपको करना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपका होमवर्क है, AMR के लिए क्या क्या उनका पूरी गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन एक बार आप देख लेना। मुश्किल से 10 मिनट लगेगी आपको गूगल करना AMR से लड़ने की। सिर्फ इतने टाइप करोगे ना AMR UPSC, बस इतना लिखना, UPSC मत लिखना, AMR लिख लेना। उसमें आपको UN और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दो ही संस्थाओं का सबसे ऊपर आएगा, वहां से एक एक पेज की स्लाइड है। मैं चाहता था तो मैं भी लिख के दे देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को खुद से सर्व करना सीखे, उससे आपकी ही क्षमताएं विकसित होगी स्टूडेंट। डन, तो ये AMR अगर PT में आ जाए तो समझ जाना AMR का मुद्दा क्या है। एंटीबायोटिक दवाओं ने काम करना बंद कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर, वायरल के ऊपर या वायरस के ऊपर, कवक के ऊपर और किसके, पैरासाइट के ऊपर। ये है AMR, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा ये आज की न्यूज है। ये जाएगी जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो आप भारत के महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवाइट किया और उनसे सजेशन मांगे कि आप ये बताइए कि भारत के न्यायालयों को, जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको लैंगिक मुद्दों के प्रति या जेंडर जो इश्यूज आ रहे हैं उनके प्रति कैसे उनको संवेदनशील बनाया जाए, कैसे न्यायालय को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। मुद्दा क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। एक अभी केस हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर एक केस हुआ, एक अपराधी ने, मतलब वो यौन दुराचारी है या यौन दुर्व्यवहार करने के उसके ऊपर कई बार आरोप लगे थे, उसने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, शादीशुदा महिला थी। अब उसने कोर्ट से, हाई कोर्ट से बेल मांगी, जमानत, और जो उसको जमानत दी गई, जमानत का अगर आप आधार सुनोगे, जो एक सेक्सुअल मोलेस्टर था उसका जो जमानत का जो आधार सुनोगे, उसका आधार क्या है, आधार बोला गया कि जिस एक्स, ये एक्स बंदा था जिसने किसी वाई महिला के साथ दुराचार किया था, ये इसने क्या बोलता है कि मैं इस वाई महिला के पास गया, इसके घर गया, मैंने माफी मांगी, इससे मैंने राखी बंधवाई, मतलब आपने यौन दुराचार किया, इसको राखी बांधी कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, बंधवाई नहीं, राखी बांधी कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, और उसके घर में कुछ पैसे दे दिए और कुछ मिठाइयां दे के आ गया। तो कोर्ट ने इस आधार पे उसको जमानत दे दी। इस मामले की गंभीरता को लेके सुप्रीम कोर्ट के 8 महिला वकीलों ने क्या कहा, वो इस मामले को लेके गए सुप्रीम कोर्ट, और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत के महान्यायवादी के, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है कोर्ट का फ्रेंड होता है, तो उनसे भी पूछा, आप बताइए कि किस तरह से हम न्यायालय को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएं, ये पूरा माजरा क्या है, इन्होंने के वेणुगोपाल ने क्या कहा, इसको देखते हैं। चलो ये देखो, महिला न्यायाधीश एवं लैंगिक संवेदनशीलता। तो भारत के जो महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, उन्होंने न्यायाधीशों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने के लिए सुझाव दिए। अब इन्होंने सुझाव देने से पहले एक बात कही कि आप न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की अगर आप संख्या को बढ़ा देते हो, इन्होंने बोला कि अगर आप एक काम करो कि अगर आप चाहते हो कि न्यायालय महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो एक काम क्यों नहीं करते, महिलाओं की संख्या बढ़ाओ ना, जजेस, महिला जजों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि वो उन मुद्दों के प्रति ज्यादा संवेदनशील पाई जाएगी।
तो उन्होंने बोला कि न्यायपालिका में अगर न्यायाधीशों की, महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है तो न्यायालय लैंगिक मुद्दों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो सकेंगे। और फिर उन्होंने कुछ कटाक्ष भी किए। कटाक्ष क्या है ये देखो, के वेणुगोपाल ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 महिला न्यायाधीश है, मतलब ऐसे तो कितने हैं 34 है, उनमें से महिला न्यायाधीश सिर्फ कितनी है 2। एक तो आपका होमवर्क ये है कि इन 2 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जो महिला न्यायाधीश है 2, उनके नाम बताओ, नंबर 1 और नंबर 2। एक का नाम अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया, तो आपको इन दोनों महिला न्यायाधीशों के नाम याद रखने हैं। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, स्टेट सर्विस के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो महिला न्यायाधीश कौन कौन सी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन दोनों के नाम आपको लिखने हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, के वेणुगोपाल जी बोलते हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल 2 महिला न्यायाधीश है और आज तक कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। तो ये लो, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ही बोलता हूं कि आप खुद जेंडर सेंसिटाइज करो सुप्रीम कोर्ट को। फिर उन्होंने बोला कि भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उनमें देखा जाए कि जितने भी सैंक्शन जितने भी न्यायाधीश है, टोटल 1113 न्यायाधीश सैंक्शन है, इन 1113 न्यायाधीशों में से केवल पूरे भारत में 80 महिला न्यायाधीश है। आप खुद देखो, लगभग 7.5% है, मतलब 1113 जितने न्यायाधीश है भारत में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उनमें से सिर्फ कितने 80 महिला न्यायाधीश है, वीमेन जजेस है। तो ये लगभग 7.5% के करीब ये आंकड़ा आएगा। दूसरा मुद्दा इन्होंने ये उठाया। तीसरा इन्होंने बोला कि इन 80 महिला न्यायाधीशों में से केवल 2 ही सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है और जो 78 महिला न्यायाधीश है ये विभिन्न उच्च न्यायालयों में काम कर रही है। तो ये हमने फिगर वैसे ही डिस्कस कर ली। आगे क्या बोलते हैं, के वेणुगोपाल जी बोलते हैं कि जो मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, अगर इन 6 राज्यों के हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो इनमें आज एक भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। आई ना ये बात समझ में? तब यहां पे नोट, मैंने ये नोट में वो केस डाला है जो अभी आपको मैंने एमपी वाला समझाया था। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर एक कथित यौन दुराचारी को इस आधार पर जमानत दी कि वह दुराचारी पीड़िता के घर गया, उसके हाथ पर राखी बांधी और पीड़िता और उसके बेटे को मिठाई और रुपये प्रदान किए। क्या बात है, जमानत देने के ये आधार होने लगे। देखो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 8 महिला वकीलों ने इस जो ऑर्डर आया है, ये एमपी हाई कोर्ट का, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वो लेके आए। तो ये पूरा ये मामला था। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ 2-3 मुद्दे काफी अच्छे हैं जो हमारे पास फैक्ट्स आए। अक्सर इस तरह के फैक्ट्स हमारे निकल के नहीं आते कि देश भर में कितनी महिला न्यायाधीश है, उनका टोटल परसेंटाइल क्या है। ये इस तरह के आंकड़े स्टूडेंट्स आपको ना एसे राइटिंग में भी काफी हेल्प करेंगे। ओके, एसे राइटिंग से याद आया, 7 तारीख से एसे की क्लासेस शुरू है और आई एश्योर आपने उस तरीके से, जैसे मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ, जिस तरह से मैंने एथिक्स कराया, एथिक्स की केस स्टडीज कराई, और जिस तरह से ऐसे भी आपकी क्लासेस होगी, वो बहुत ही उम्दा क्लासेस होने वाली है स्टूडेंट्स। तो आप भी अपने सारे दोस्तों को भी, जो आप जितने भी आपके वेल विशर्स है, सबको दिखाना उस क्लास को। स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी पे। नेक्स्ट जो आज का ये टॉपिक है, ये ग्लोबल अलर्ट ऑन वैक्सीन फ्रॉड। ये देखो, वैक्सीन में जो धोखाधड़ी को लेके इंटरपोल ने दुनिया भर के देशों को, उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बोला है कि वैक्सीन का फ्रॉड का एक पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा एक मैकेनिज्म, एक पूरा का पूरा एक ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने शुरू हो गए हैं जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड किया जाएगा कि आपको ये वैक्सीन दे देंगे, सस्ती दे देंगे, ऑनलाइन वैक्सीन डिलीवरी, बहुत सारा वैक्सीन फ्रॉड होने वाला है। तो इंटरपोल ने अभी ही 194 देशों की कानूनी एजेंसियों को बोला है कि आप ऑनलाइन वैक्सीन फ्रॉड जो होगा, जैसे ही बोलेंगे भाई ये वैक्सीन है ऑनलाइन मिल रही है, बाजारों में नहीं है, ऑनलाइन ले लो,
तो वैक्सीन फ्रॉड क्या है, वो नकली आपको वैक्सीन बेची जाएगी। तो उसमें इंटरपोल बोलती है दुनिया भर की सरकारों को, दुनिया भर की कानून की एजेंसियों को, उसने वार्न कर दिया है कि एक और संगठित अपराधियों ने, जो संगठित अपराध करता है, उन्होंने पूरा का पूरा अपना एक संगठन बना लिया है जो दुनिया भर में वैक्सीन फ्रॉड के लिए काम करेंगे, और जो क्या करेंगे, फेक प्रोडक्ट्स बेचने की तैयारी पूरी चल रही है। अब देखते पूरा मामला क्या है। ये देखो, कोविड 19 वैक्सीन धोखाधड़ी पर वैश्विक चेतावनी जारी की गई। इंटरपोल ने 194 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चेतावनी जारी की है कि संगठित अपराध करने वाले नेटवर्कों के प्रति सजग रहे ये देश, जिनके द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को टारगेट किया जा रहा है। इंटरपोल ने अपने नोटिस में कहा कि संगठित अपराधियों द्वारा नकली दवाओं का विज्ञापन और बिक्री की जा रही है ऑनलाइन वैक्सीन। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड भी तो होते हैं ना, आपको लग रहा है सर कौन इनकी चपेट में आएगा? अरे भाई, जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की चपेट में आ जाते हैं, जो लोग ऑनलाइन खराब प्रोडक्ट्स की चपेट में आ जाते हैं, वो ऑनलाइन वैक्सीन, और ये तो इतना सेंसिटिव मुद्दा है ना, जब वैक्सीन आएगी अगले हफ्ते ही आ रही है, अगले हफ्ते यूके की फाइजर वाली वैक्सीन, वो उसको अनुमति दे दी उन्होंने अगले हफ्ते से बाजार में मिलना शुरू। हालांकि इंडिया के बाजार में नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन बाजार में तो मिलना शुरू हो जाएगी ना। तो उस दवा को लेके, वैक्सीन को लेके जो हड़कंप मचेगा, हाहाकार मचेगी, मैं भी लगवा लूं, मैं भी ले लूं, मेरे पास हो जाए, उस तरह की चीजें हैं। तो ये इंटरपोल ने बोला। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, दो या जो दो से लाख ज्यादा लोग या कोई समूह क्राइम करने के उद्देश्य से ही संगठन बनाते हैं। मतलब हमें ये इंटेंशनली क्राइम करना है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब उनका लक्ष्य एक ही है, क्राइम करना। तो ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे अपराधी है। तो इंटरपोल ने बोला कि ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स है, उनकी फेक, जो फेक कोविड वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो बिक्री कर रहे हैं। और देखो, ये नोटिस कब आया, ये नोटिस कल ही आया है। उसी दिन आया जब यूके, यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि अगले सप्ताह से कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को वह अधिकृत करने जा रहा है। और संभवतः, वैसे तो फाइजर के ऑलरेडी रिजल्ट मैंने आपको बताया था, 95% इसका अच्छा सक्सेस रेशियो था। तो अभी ये यूके के बाजारों में अगले हफ्ते से फाइजर की कोविड वैक्सीन आ जाएगी। जैसे ये वैक्सीन का बाजार गर्म होगा, ऐसे में ही ये ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स हैं, ये भी अपना काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है, एक टास्क फोर्स गठित की गई है, ये देखो, जो क्या करेगी, टेक्निकल जितनी एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, उसको लोगों की मदर टंग में अवेलेबल कराएगी। आपकी मातृभाषा के अंदर ही आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब आने वाले टाइम में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप चाहते हो कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, तो आपका जो सारा जो पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, सारा जो कंटेंट है, वो आपकी मदर लैंग्वेज में ही मिलेगा। अभी बात मैंने हिंदी मीडियम की करी, बाकी जिसकी जो जो लैंग्वेज होगी, उसको मदर टंग में ही वो सारा सिलेबस प्रोवाइड कराने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। टास्क फोर्स क्या है, ये टास्क फोर्स जानते हैं कहाँ जाएगा? ये जनरल स्टडीज, ये देखो, जेंडर सोशल इश्यू है, नंबर वन में जाएगा, नंबर दो पॉलिसी का इश्यू है, और नंबर तीन ह्यूमन रिसोर्स का इश्यू है। पेपर 1, 2, 3 तीनों में ही जाएगा ये। देखते हैं खबर क्या है। ये देखो, मातृभाषा में ही तकनीकी शिक्षा के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, उच्च शिक्षा सचिव है अमित खरे, उनकी अध्यक्षता में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के लिए रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से, कि कैसे आने वाले समय में कैसे देश के युवाओं को, युवतियों को, उनकी मातृभाषा में हम तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे।
तो यह कार्यदल है जो मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के सुझाव देगा। देखते हैं क्या सुझाव आएंगे। उसके बाद उल्लेखनीय है कि सरकार का जो ये कदम है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अंदर भी इसी तरह की बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस बात पे बल था कि लोगों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। और सरकार की भी मंशा क्या है कि विद्यार्थियों पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन उनको सक्षम बनाने के लिए प्रावधान जरूर करेंगे जिसमें कोई भी होनहार विद्यार्थी सिर्फ इसलिए टेक्निकल एजुकेशन से वंचित न रह जाए क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानता। तो ये एक अप्रिशिएट, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा वेलकम करने लायक कदम है सरकार का, कि सरकार इस तरह की अगर बातें सोच रही है तो बिल्कुल इसको वेलकम किया जाएगा। देखते हैं क्या ये टास्क फोर्स क्या सजेशन देता है, किस तरह से लोगों तक टेक्निकल एजुकेशन को पहुंचाया जाएगा। ओके, अब चलते चलते ये भी जाने, देखो कुछ ऐसी न्यूज होती है स्टूडेंट, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि बहुत छोटी छोटी वन लाइनर न्यूज है, मतलब जो वैसे तो अगर मैं न्यूज के रूप में पढ़ाऊं तो उनका इतना महत्व नहीं है, लेकिन उनको एग्जाम्पल के रूप में, उनको केस स्टडीज के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई खबरें आती रहेगी तो मैं चलते चलते ये भी जाने नाम से आपके सामने उसको लेके आता रहूंगा। तो देखे पहला है क्या, चलते चलते ये भी जाने, छोटी सी एक खबर है कि बोरिस जॉनसन है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, इस साल जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में इनको इनवाइट किया गया, तो बोरिस जॉनसन, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी, उस दिन इनको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। अब देखते हैं कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कोविड-19 उसमें, तो एक खबर तो ये आई, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा लेकिन स्टेट सर्विसेज में किसी भी एग्जाम अगर इसके आसपास आया तो वो पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2021 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है। दूसरा, देखो 3 दिन पहले की खबर थी, उसमें क्या किया गया था, जो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, उस विभाग ने अपना एक रिक्रूटमेंट रूल, मतलब भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया था, और उस भर्ती के नोटिस में उन्होंने क्या बात बोली थी कि एक पद है, किसका पद था, डायरेक्टर, मैं आपको बता देता हूं किस पद के लिए भर्ती की बात की गई थी, जो डायरेक्टर था किसी, देखो मिशन डायरेक्टर, ये देखिए, रिक्रूटमेंट मेथड फॉर द अपॉइंटिंग ए मिशन डायरेक्टर फॉर वन ऑफ इट्स प्रोग्राम, ये देखो कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसने अपने किसी एक कार्यक्रम के लिए उनको मिशन डायरेक्टर को रिक्रूट करना था। जब उसका क्राइटेरिया आया कि किस किस क्राइटेरिया पे आपको उस पद के लिए योग्य माना जाएगा और किस किस आधार पे आपको अयोग्य माना जाएगा, तब अयोग्यता के एक आधार के रूप में उसमें बाईगेमी मतलब जिन व्यक्तियों के दो दो पारिवारिक या शादीशुदा संबंध होते हैं, तो ऐसे लोग, दो बाईगेमी का मतलब दो पत्नियां हो, जिनके दो पति हो, इस टाइप से, जिनके जो बाईगेमी कर रहे हैं उन लोगों को मिशन डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट रिक्रूट नहीं किया जाएगा। इसको बोला गया मोरल पॉलिसिंग। ये देखो, ये यूज कहां करना है हमें, एथिक्स में कि हमें मोरल पॉलिसिंग का इस्तेमाल करना होगा, मतलब पुलिस तो है कि आप को नैतिक रूप से सही बनाया जा, मतलब आप नैतिक रूप से सही बने रहे, उसके लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इस शब्द को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं नैतिक पुलिसिंग, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो कि हम नैतिक पुलिसिंग के लिए, या मॉरल पुलिसिंग भी लिखोगे तो चलेगा, कि कई बार ऐसा होगा, जैसे आपको बोला जाता है ना घरों में भी, बचपन में भी अक्सर आपको ऐसा बोला जाता था, अगर तूने ये गलत काम किया तो भाई तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे साइकिल नहीं दिलाई जाएगी, स्कूटर नहीं दिलाया जाएगा, मोटरसाइकिल नहीं दिलाई जाएगी, अच्छे नंबर लेके आएगा तो तुझे ये किया जाएगा, लड़के नहीं आएगा,
मोहल्ले पड़ोस में गुंडागर्दी कोई मक्कारी नहीं करके आएगा तो बेटा तुझे ये मिलेगा। तो बेसिकली वो है क्या, एक मॉरल पुलिसिंग। तो ये डीएसटी ने, तो ये नोटिफिकेशन आया था, ओके, बाद में पहले आया, फिर बोला इन्होंने कि फिर मॉरल पुलिसिंग से इन्होंने डिनाई कर दिया। तो हमें याद रखना है मॉरल पुलिसिंग क्या है। अगला देखो, एक और जो एक चलते चलते खबर ये है कि कई बार जैसे कोविड पेशेंट को अनटचेबल्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, समझ गए ना, कि कोविड हो गया तो लोगों के घर पे पर्चा चिपका दिया गया कि यहां पे कोविड पेशेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कोविड पेशेंट्स के अगर घरों पे या उनके जहां पे वो रिजाइड कर रहे हैं वहां पे अगर आप जाके उस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हो तो एक तरीके से बिल्कुल अस्पृश्यता के जैसा ही उनके साथ ये व्यवहार है। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, पुटिंग अप पोस्टर्स और साइनेज आउटसाइड द होम ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल पीपल में एंड अप मेकिंग द ऑक्यूपेंट्स बीइंग ट्रीटेड एज अनटचेबल्स द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ऑन द ट्यूजडे एज एन सेंटर सेड इट हैड नॉट ऑथराइज एनी सच प्रैक्टिस। हालांकि केंद्र सरकार ने बोल दिया कि उसने किसी को ऐसी, इस तरह से कोविड पेशेंट्स जो पॉजिटिव है उनके घरों पे ऐसे पोस्टर्स लगाने के लिए ऑथराइज नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर फिर भी लगाए जा रहे हैं तो उनके साथ एक तरह का ये अस्पृश्यता का व्यवहार है। तो ये अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना। अगर इस तरह के कोई केस स्टडी आ जाए, किसी भी तरह का कोई मुद्दा आ जाए, अगर आपको देखो जितने भी आपके इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने वाले स्टेप्स हैं, इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने वाले जो स्टेप्स हैं वो हमेशा ही क्या किए जाएंगे, डिसरिगार्ड किए जाने चाहिए, आपको उनको नकारना होगा। देखो कोविड का अगर कोई पेशेंट है तो कोई जाके जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके नहीं आया, इसको कहां से लगा कैसे लगा कोई नहीं जानता। और ऑलरेडी अगर सरकार ने आइसोलेशंस किए और उनके लिए पूरा प्रोविजन बनाया तो सभ्य और जागरूक नागरिकों की तरह हमें क्या करना चाहिए, उन सारे प्रोटोकॉल को, पूरा जो रूल्स एंड जो सरकार ने पूरी गाइडलाइन जारी की है उनको पालन करना चाहिए। लेकिन लोगों के घरों पे पोस्टर चिपकाना तो एक तरीके से थोड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। देखो मुझे भी कोविड हुआ था तो थोड़ा बहुत मैंने भी फील किया, होता है लोग बाग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि पता नहीं कोविड हो गया तो कितना बड़ा क्राइम होगा। भाई ये 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 डेज के अंदर ये ठीक हो जाएगा, तो बस आप पेशेंस रखे, उस फैमिली को, उस पेशेंट को मेंटल मॉरल सपोर्ट दे, ये आप सबसे उम्मीद की जा रही है। फिर वही है, यूके ने बोला कि जो फाइजर और बायोनटेक की जो वैक्सीन है पी फाइजर, वो अगले हफ्ते से कहां पे, यूके गेट्स फर्स्ट शॉट्स नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक से क्या होगा, जो आपकी जो फाइजर, मैंने बताई थी ना एक बार, फाइजर का टोटल मैंने पूरा बताया था कि 95% इसका क्या है, सक्सेस रेट है। तो ये यूके के बाजार में इसको उतार दिया जाएगा। तो अगर पूछ भी लिया जाए कि फाइजर कहाँ की है और कहाँ इसको उतारा जा रहा है तो ये यूके में है, इसको ध्यान रखना। और मैंने आपको पूरा बताया था एमआरएनए वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए, पूरा ये कंसेप्ट भी समझाया था मैंने आपको, एमआरएनए, अगर आप में से कुछ बच्चों को याद होगा ये पूरा कंसेप्ट भी मैंने समझाया था। तो ये देखो वो छोटी छोटी खबरें है स्टूडेंट्स की, इनमें मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये मुद्दा क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो स्पेशल क्लास है, ऑलरेडी स्पेशल क्लास जो केस स्टडीज के ऊपर कंप्लीट कोर्स हो चुका है, 6 लेक्चर हुए थे जिसमें आप अपने 120 मार्क्स जो GS पेपर 4 है एथिक्स, उसकी केस स्टडीज का पूरा यहाँ पे किया गया। तो आप लोगों करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जाके डाउनलोड करनी है, जो एंड्रॉयड यूजर्स है गूगल प्ले में जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को वहां पे टाइप करो, सर्च करो, डाउनलोड करो, वो आपकी कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा उनको दो। उसके बाद क्या करना है, नवीन तंवर सर को सर्च करना है और मुझे फॉलो करना शुरू कर देना है, और मेरे जितनी अपकमिंग क्लासेस है सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये केस स्टडीज के ऊपर जो कोर्स है उसमें केवल आपको 6 क्लासेस के अंदर 120 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी कराई गई है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है और नवीन तंवर सर ने ये कराई है जैसे कि आप जान ही रहे हैं।
उसके साथ ही मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स। स्पेशल क्लास है मेरी वर्ल्ड और इंडियन मैपिंग के ऊपर, 14 क्लासेस है। इतने शानदार तरीके से एग्जाम के लिए जरूरी जो हमारी साइट्स है, लोकेशंस है, मैपिंग है, मैंने कराई, उसको करिए। आने वाले जो मेरे कोर्सेज है वो आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति, अवसंरचना और ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे, ज्योग्राफी, जीएस, मैं हमेशा ही लिखता हूँ, ज्योग्राफी जीएस कराऊंगा, जैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो ज्योग्राफी जीएस तो डेफिनेटली कराऊंगा, थोड़ा और टाइम मिलते ही ज्योग्राफी ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा। उसके साथ मैंने जैसे आपको बोला था निबंध लेखन पे मैं आपके सामने क्लास लेके आने वाला हूं, और वो क्लास क्योंकि आप जान रहे हो अभी यूट्यूब के ऊपर कोई भी लाइव क्लासेस नहीं हो रही स्टूडेंट, सब प्रीमियर क्लासेस है, तो लाइव क्लासेस में क्योंकि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जब तक मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं करूंगा, आपके कमेंट्स क्या है, आपकी क्वेरीज क्या है, उनको मैं लाइव आपके साथ टैकल नहीं करूंगा तो आपके अंदर ऐसे को डील करने की क्षमता भी विकसित नहीं होगी। तो जो निबंध लेखन की जो क्लास है ये शेड्यूल हो चुकी है स्टूडेंट, ये ऐसी क्लास है जिनका आप सभी को इंतजार था। हाईएस्ट मार्क्स आएंगे आपके अगर आपने पूरी तसल्ली से पूरे मतलब अपना पूरा समर्पण दिखा के पूरी श्रद्धा से पूरा अच्छी तरह से अभ्यास किया तो यू विल बी डेफिनेटली अमंग द टॉपर्स, मैं ये आपको बिल्कुल एश्योरेंस देता हूँ, आश्वासन देता हूँ। 250 मार्क्स की तैयारी है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी मेरे साथ, एक हफ्ते का सेशन चलेगा ये 7 दिसंबर से शुरू हो रही है। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट, कोई पैसा आपको नहीं देना। ये देखिए पूरा शेड्यूल आपके सामने आ गया, ये क्लास 7 दिसंबर से शुरू होगी, पहली क्लास 7 दिसंबर, समय रहेगा रात को 9:30, 9:30 बजे। दूसरी क्लास 8 दिसंबर को होगी, तीसरी होगी 9 दिसंबर, चौथी क्लास होगी 10 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, जिसमें मैं बेसिक आपसे बिल्कुल ऐसे होता क्या है, ऐसे में डिमांड क्या होती है, ऐसे को लेके बच्चों के मन में 10 अलग अलग तरह के ख्याल होते हैं, उन सारे ख्यालों को, उन सारे विचारों को पूर्णतः स्पष्ट करूंगा मैं आपके सामने। 3-4 ऐसे मतलब इन जो 5-6 दिनों की हमारी क्लासेस होगी आपके साथ, जैसे केस स्टडी में खुद सॉल्व कर रहा था आपके साथ, उसी तरीके से ऐसे की फॉर्मेटिंग बनाएंगे, ऐसे का इंट्रो कैसे लिखना है, ऐसे को कंक्लूड कैसे लिखना करना है, उसमें कहाँ कहाँ कोटेशंस डालनी है, कोटेशंस को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीखोगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी में और जो मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे उनको जानते भी हैं, दे आर अमंग द हाइएस्ट मार्क अचीवर इन एसे, मतलब मेरे पढ़े हुए बच्चे मुझसे या मैंने जिनको पढ़ाया है, मेरा खुद की जो यूपीएससी में एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है अगर आपने मेरे साथ एसे वाली एक्सरसाइज कर ली तो आपके हाइएस्ट मार्क्स होंगे। और ध्यान रखना मैं हमेशा से ही बोलता हूँ एसे वाला पेपर, एथिक्स वाला पेपर और आपका ऑप्शनल, ये 3 वो मेजर पिलर है जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक निर्धारित होती है। हालांकि जीएस पेपर 1, 2, 3 अपना पूरा महत्व है, लेकिन ये 3 पेपर ऐसे है ना स्टूडेंट, ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, ये आपकी रैंक क्या रहेगी, आप टॉपर में रहोगे, कहाँ आपका रैंक होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका निर्धारण होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा जो पूरी जो अप्रोच है यूपीएससी में वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना है, आप उस दौड़ में आगे ही रहो, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आप इन क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलें। अब शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर IAIS बीमा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने और नियम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, इसका गठन 1994 में हुआ और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, बताइए क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शंस है A, B, C या D। A, B, C या D सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये प्रश्न क्यों बनाया गया, देखिए आज की पीआईपी की खबर है कि इंटरनेशनल, ये देखो फाइनेंशियल आई एफ
IFSCA ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा, IAIS, इसको इसकी सदस्यता मिली है। तो IAIS है क्या? मैंने आपको बता दिया इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें 200 से भी ज्यादा न्यायाधिकरण या अधिकार क्षेत्र में आने वाले इंश्योरेंस सुपरवाइजर और नियामक इससे जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान बुरेवी का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्कटिक महासागर, कैरेबियन सागर, दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर? बताओ बुरेवी का किससे संबंधित है? बुरेवी के बारे में कहां पे चेतावनी जारी की गई? किस क्षेत्र से संबंध है बुरेवी का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। ये देखिए आज के ही पीआईबी की खबर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या बोला, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान बुरेवी जो दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के तटों को प्रभावित कर सकता है, उसको लेके येलो अलर्ट जारी किया गया। और आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह राज्य या नगर पालिका द्वारा जारी किए गए ऋण सुरक्षा यानी कि डेट सिक्योरिटी है जो पूंजीगत व्यय को फाइनेंस करने के लिए जारी किए जाते हैं। दूसरा, लखनऊ नगर निगम नगर पालिका बॉन्ड्स को जारी करने वाला देश का प्रथम नगर निगम बना है। अब आप बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये म्यूनिसिपल बॉन्ड। जब आपको अर्बनाइजेशन कराया जाएगा ज्योग्राफी के अंदर, तब मैं आपको इन सारी चीजों को बताऊंगा कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, किन स्कीम्स के अंदर या सरकार की कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें इनको बोला गया कि हमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो पहले बात करते हैं बॉन्ड्स की। अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने जब आपको बॉन्ड और यील्ड वाला टॉपिक बताया था, मैंने बताया था बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉरपोरेट्स बॉन्ड। दोनों की खूबी क्या बताई थी मैंने, इसमें लेस रिटर्न, कम आपको रिटर्न मिलता है लेकिन जोखिम भी क्या होता है, लेस होता है, लेस रिस्क होता है। इनमें क्या होता है, हाई रिटर्न होता है और इसमें रिस्क भी हाई ही होता है। तो देखो जो नगर पालिकाएं है या नगर निगम है, उनको भी तो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का पूरा करना होता है ना भाई, वाटर सप्लाई के लिए, कहीं सड़क की व्यवस्था करनी है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी है, हेल्थ की कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है, तो उनके पास पैसा कहां से आए? तो ये वो नगर पालिकाएं क्या कर सकती है, अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर सकती है। वो बॉन्ड्स जारी करके लोगों को बोलेगी, ये लो मेरा बॉन्ड ले लो आप, ये 100 रुपए का बॉन्ड है या 1,000 रुपए का बॉन्ड है मेरा, आप इसको ले लीजिए और मैं आपको 5 साल बाद इतना इंटरेस्ट दे दूंगी और आपका मूलधन भी आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, नगर पालिकाओं को पैसे मिल जाएंगे, तो उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, पैसा जहां जहां उनको चाहिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए या किसी भी उसके मरम्मत के लिए, तो वो उनके पास पैसा आ जाएगा। तो ये है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि लखनऊ जो नगर निगम है, ये देश का पहला ऐसा नगर निगम नहीं है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को जारी किया। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाए, ये देखो। तो लखनऊ आज के ही पीआईबी की खबर है, देखिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की, लखनऊ नगर निगम ने जारी किए 2,000 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर पालिका बॉन्ड्स, जिनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनको सूचित भी किया जा चुका है, सूचीबद्ध किया जा चुका है इनका। और इस तरह का जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ नगर पालिका देश का 9वां शहर बना, 9th सिटी, 9th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है लखनऊ, फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखना। अब आपका होमवर्क है कि फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया,
देश के अंदर फर्स्ट म्युनिसिपल जो बॉन्ड है वो किस नगर पालिका या नगर निगम ने जारी किया, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट करके रखना। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के अंदर डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बताइए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित किसके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 जारी की गई, विश्व व्यापार रिपोर्ट, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं, और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है, कौन है जारी करने वाला इसको। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इथेरियम 2.0 का संबंध निम्नलिखित किससे है, पृथ्वी पर खोजी गई नई दुर्लभ धातु है, नासा का अरुण ग्रह के लिए एक नया मिशन है, क्रिप्टो करेंसी है, ऑप्शन डी कोई नहीं, बताइए। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सही जवाब देंगे इसका। एथेरियम 2.0 क्या है ये, ये है आपकी क्रिप्टो करेंसी। ओके, नेक्स्ट देखिए। भारत में निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया गया, सुभाष चंद्र गर्ग, कृष्ण गोपाल कृष्णन, के वी कामत और वी आचार्य। क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित किस देश में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सुमेरु लोकेटेड है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की? माउंट सुमेरु कौन से एक्टिव वॉल्केनो है, किस देश में स्थित है ये, क्या है सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि पर भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 सितंबर? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन मनाया जाता है, जवाब दीजिए आप, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 दिसंबर के दिन। इसी दिन देखो यूनियन कार्बाइड में जो भोपाल गैस त्रासदी का जो कांड हुआ था वो इसी के उपलक्ष में इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, ये डेट याद रखना। आगे चलते हैं। ये देखो टॉपिक ऑफ द डे, आज का जो टॉपिक ऑफ द डे काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक ऑफ द डे है। क्या है देखते हैं टॉपिक ऑफ द डे में, ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है ये न्यूज है कि कंसेंट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब अवमानना की अनुमति। देखो
मामला क्या है, पहले आपको मुद्दा समझाता हूं। पहले तो कौन से पेपर में जाएगा, ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर टू। पॉलिटी गवर्नेंस का ये इशू है आपका। मुद्दा क्या है, पहले आपको मुद्दा समझाता हूं, वहां से आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। एक ये पर्सनैलिटी है, इसका नाम है रचिता तनेजा। दरअसल एक ये चित्रकार है, आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कार्टून दिखा के किसी मुद्दे को समझाने की कोशिश की जाती है। तो रचिता तनेजा एक कॉमिक चित्रकार है, कॉमिक चित्रकार। आप लोग द हिंदू पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण जो भी आप पढ़ते होंगे, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप द हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। तो ये कॉमिक चित्रकार है, तरह तरह के अपने चित्रकारी के जरिए ये बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करती है। रचिता तनेजा नाम है। अब इन्होंने क्या किया, ये देखो ये सेनेटरी पैनल्स के नाम से ट्वीट करती है, जो इनका ट्विटर हैंडल है, किस नाम से है, सेनेटरी पैनल्स के नाम से। तो जब अर्नब गोस्वामी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो ये देखो इन्होंने ये ट्विटर अपने हैंडल पे इस इमेज को, चित्रकारी को शेयर किया। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये गला पकड़ा हुआ है, यहां पे दिखाया हुआ है आर, रिपब्लिक इंडिया, आप जानते हो न्यूज चैनल है ये, अर्नब गोस्वामी दिखाए गए। फिर देखो अर्नब गोस्वामी ने क्या दिखाया कि तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनका इनको पकड़ा तब इन्होंने क्या बोला, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, और इधर क्या दिखाया, बीजेपी। यानी कि एक तरीके से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने की ये कोशिश की कि देखो मेरा बाप कौन है। ये कौन कर रही है, रचिता तनेजा। दूसरा इनका एक और ट्वीट देखो, इन्होंने लिखा, फिर देखो सेनेटरी पैनल्स नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, फिर ये क्या लिखती है, अर्नब गेट्स बेल, अर्नब गोस्वामी को बेल मिली, रियर जर्नलिस्ट गेट्स जेल। मतलब अर्नब को तो बेल मिल गई और जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं उनको जेल मिलती है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज फेल, भारत के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता असफल हो गई है, फेल हो गई। फिर देखो इन्होंने क्या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाते हुए लिखा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने लिखा संघी कोर्ट ऑफ इंडिया, ये लो। दूसरा इन्होंने ये ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया अपने हैंडल पे। अब यहां पे आ गया अवमान, न्यायपालिका की अवमानना का मुद्दा। अब मुद्दा यह है कि न्यायपालिका की अवमानना क्या होती है। न्यायपालिका की अवमानना में आपके भारत के महान्यायवादी का क्या रोल है, जो के वेणुगोपाल जी है, और सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति, मतलब महान्यायवादी अटोर्नी जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की क्या शक्तियां है इसके मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है, ये देखो वापस से ले आता हूं, कंसेंट ऑफ कंटेंप्ट। मतलब भारत में न्यायपालिका की अगर अवमानना होती है तो उसकी कंसेंट, उसकी अनुमति कौन देगा। तो यहां पे हम जो कुछ समझेंगे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, क्या इसको कहीं डिफाइन किया गया है, संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान है, और इसमें अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इनका क्या रोल है। शुरू करते हैं, आ जाओ। ये देखिए सबसे पहले जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये देखिए न्यायपालिका की अवमानना। पहली बात ये कि क्या भारत के संविधान में इसको डिफाइन किया गया है, संविधान में ये डिफाइन हुआ है क्या। सबसे बड़ी बात, संविधान में प्रावधान जरूर है लेकिन इसको डिफाइन नहीं है। तब फिर कैसे डिफाइन हो रहा है, फिर है, मैं आपको बता देता हूं, उस एक्ट का नाम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1978, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये क्या कह रहा है, ये इसको कैसे डिफाइन करता है, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने डिफाइन किया कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लिख लेना आप, वह अपराध है
जो कि लिख लेना आप न्यायालय की अथॉरिटी या उसकी डिग्निटी में, डिग्निटी पर चोट करे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, तो संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। कहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है हमारा 1971, वहां उसको बताया गया कि ये वह अपराध होता है जो न्यायालय की अथॉरिटी या उसकी डिग्निटी पर चोट करे। अब देखो नेक्स्ट है, ये कंटेम्प्ट कितने तरह का होता है। अक्सर ये डाउट रहता है कि न्यायालय का जो अवमानना है वो कंटेम्प्ट कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल। नागरिक अवमानना, दूसरी है आपराधिक। जो रचिता तनेजा है उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, रचिता तनेजा को आप जान गए, उनके ऊपर ये वाला न्यायिक अवमानना है, न्यायपालिका की अवमानना का। तो सबसे पहले जानते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रही है अगर न्यायालय के किसी निर्णय कोमा आदेश, उसकी किसी डिक्री, उसका अगर मतलब उसने कोई अपना डिसीजन पास कर दिया, कोई आदेश दे दिया, कोई डिक्री दे दी, अगर उसका कोई जानबूझकर पालन नहीं करता या अवज्ञा करता है, पालन नहीं करता या अवज्ञा करता है, तब उस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को क्या शक्ति दी गई है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? ये क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, देखो मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करे, उसका अपमान करे और उसकी डिग्निटी के साथ छेड़खानी करे, डिग्निटी के साथ छेड़खानी, तो उसको डाला गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो रचिता तनेजा को माना गया कि जानबूझ के वो क्या दिखा रही है, संघी कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या दिखाया गया कि भाई तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है। इट मींस उन्होंने अपनी जो चित्रकारी के जरिए, कार्टून चित्रकारी के जरिए ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है कि उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। या कोई अगर न्याय के प्रशासन है उसमें कोई बाधा डालता है, न्याय प्रशासन में कोई बाधा डालता है तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्लियर हो गया? अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजन क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्यवाही कैसे चलेगी, आगे की गतिविधि या कार्यवाही कैसे चलेगी, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। पूरा जो मामला है ये देखो, अब हम देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया क्या है। देखो दो तरह की प्रक्रिया है। अगर आपने भारत का संविधान आपने पढ़ाई होगा लक्ष्मीकांत, उसमें आपने देखा होगा तीन हमारे पास अनुच्छेद है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 215। इसमें न्यायालय के पास खुद ही शक्ति दी है संविधान ने, संविधान ने शक्ति दी है, न्यायालय को शक्ति दी है कि वह अपनी अवमानना के रक्षा करने के लिए, अवमानना के लिए इन एक्ट के तहत उसको शक्ति प्रदान की गई कि वो सजा दे सकता है, पनिश कर सकता है जो भी न्यायालय की अवमानना करता है। ये आपने लक्ष्मीकांत में सबने पढ़ा है, आर्टिकल 129, 142 का दो, इसको भी मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूं, और 215। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रोविजन है और ये है हाई कोर्ट से। तो एक तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया तो वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद से संज्ञान लेकर
अपनी अवमानना करने वाले को दंड देता है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो आप, दूसरा तरीका क्या है अवमानना की, दूसरी प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया ये है, मैं आपको बता देता हूं, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, मैं बता देता हूं, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये क्या कह रहा है, अगर न्यायपालिका की अवमानना होती है तो भारत का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी क्या कर सकता है, वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकता है। महान्यायवादी जिसमें इस एक्ट के जो सेक्शन 15 है, इस एक्ट का जो इस एक्ट का सेक्शन 15 है उसके तहत क्या बोला गया कि क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट इसका प्रावधान है, जिसमें यह बोला गया कि जो भारत का न्यायवादी है अगर यह लिखित रूप में, या तो भारत का न्यायवादी जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल एजी, सेकंड है सॉलिसिटर जनरल या वो सॉलिसिटर जनरल, ये तो केंद्र में या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे, और राज्य में जिसको आप बोल राज्य वाले को क्या बोलते हो आप, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब लक्ष्मीकांत में आप पढ़ोगे जब न्यायपालिका को, तो केंद्र में या न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे भारत का अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, और हाई कोर्ट के स्तर पे राज्य का एडवोकेट जनरल अगर लिखित रूप में ये बोल देता है कि ये मामला कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा और उसकी प्रक्रिया को चलाया जा सकता है। अब आप सोचोगे ये शक्ति महान्यायवादी को क्यों दी गई, भाई यहां महान्यायवादी को इसलिए दी गई कि कोर्ट का टाइम बहुत कीमती होता है, अगर हर कोई जाके कोर्ट में ये बोलेगा ये लो भाई ये तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला है न्यायालय जी इस पे विचार विमर्श करो, ऐसे तो हजारों लाखों लोगों की याचिकाएं और ऐसे इस तरह की उनकी डिमांड जाती रहेगी, तब इस जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के लेवल पे महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल को, और हाई कोर्ट के लेवल पे जो ये शक्ति दी गई है एडवोकेट जनरल को कि वो ऐसी किसी भी याचिकाओं को, ऐसे किसी भी डिमांड को वो खुद एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और वो फिर बता देंगे कि हाँ ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला है या नहीं, उसके बाद उस मामले को वो कोर्ट में भेजेंगे, तो पूरा काम है न्यायालय का समय बचाना। तो अभी जो रचिता तनेजा वाला मुद्दा है इसमें हुआ क्या है, तो वो रचिता तनेजा वाला मुद्दा आया तो अभी के वेणुगोपाल ने बोला कि हाँ ये जो मुद्दा है रचिता तनेजा वाला इसमें कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की हम अनुमति देते हैं, न्यायालय में ये मामला जाए। अब जैसे ही ये मामला न्यायालय में जाएगा फिर क्या होगा, कोर्ट अगर इस बात से संतुष्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि हाँ इस मामले में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की उनको गुंजाइश नजर आ रही है, तब वो क्या करेंगे, ऐसे में अपराधी को एक नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब अभी तो के वेणुगोपाल ने रचिता तनेजा वाले मुद्दे में बोला कि हाँ ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानती है कि हाँ इसमें कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की गुंजाइश नजर आ रही है, तब रचिता तनेजा को क्या भेजा जाएगा, एक नोटिस भेजा जाएगा, फिर रचिता तनेजा अपने आप को डिफेंड करेगी, वो एफिडेविट देगी कि नहीं मेरा ये इंटेंशन नहीं था, जो भी जिस तरह का वो करना चाहेगी वो उसमें अपने आप को डिफेंड करेगी। लेकिन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के मामले में ये भी बोला गया कि जब कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के मामले की सुनवाई होगी तो कम से कम दो न्यायाधीशों की, कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ होगी इस मुकदमे की सुनवाई करेगी, कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। ओके, तो ये था पूरा हमारा कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप पूछोगे कि क्या कोई निजी व्यक्ति, भाई अगर कल को मुझे लगता है कि कंटेंप्ट, मुझे लग रहा है न्यायपालिका का अवमानना हुई है और मुझे इस मामले को उठाना है, तो क्या कोई निजी व्यक्ति कंटेंप्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसको क्या करना होगा, उसको परमिशन लेनी होगी या तो अटर्नी जनरल से, सॉलिसिटर जनरल से या एडवोकेट जनरल से। अगर इन्होंने उसकी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो उसका मुद्दा है, इन्होंने बोला कि नहीं इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, तब वो अपील, तब वो याचिका वहीं खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर इनको लगता है हाँ हुई है, तब ये बोल देंगे अच्छा भाई कोर्ट के सामने मैटर जाएगा, इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी। समझ गए? तो ये अगर आपको प्रशांत भूषण वाला मामला याद होगा स्टूडेंट, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, उसमें अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहां पे खुद से संज्ञान लिया। वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 नहीं लगा, क्योंकि संविधान ने न्यायालय को खुद शक्ति दी है कि वो अपनी अवमानना होने पर अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरा तरीका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, जो इस पूरे केस में जो आपका होमवर्क है। अब यहां मैं आपका होमवर्क बता रहा हूं, जहां से आपको पूरा ये मामला क्लियर होगा। पहला, आज ही आप, मैं हमेशा ही बोलता हूं आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए। मैंने एक बार फोटो भी दिखाई थी, एक किताब थी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, एक पेज पे अंग्रेजी पे, एक पेज पे हिंदी पे। मतलब खोलोगे किताब तो एक साइड अंग्रेजी है, दूसरी साइड हिंदी है। एक तो वो बेयर एक्ट होना चाहिए आपके, वो नहीं है तो अभी लक्ष्मीकांत वाली बुक तो आपके पास होगी ही। आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर खोलना है, हाई कोर्ट वाला चैप्टर खोलना है, और इन दोनों चैप्टर में से सिर्फ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो पढ़ना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, एक तो ये काम करना है। दूसरा आपको पढ़ना है महान्यायवादी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अटोर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और उसके बाद आपको राज्य का एडवोकेट जनरल। ये आपको ये सब होमवर्क में पढ़ के रखने हैं। फिर वो सारा पढ़ के आप जो मैंने अभी आपको समझाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उससे इसको रिलेट करना, तब जाके एक आपको शानदार पिक्चर क्लियर होगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ही बोलता हूं जो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटी, गवर्नेंस और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुद्दे वो है जिन, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने से आपका जीएस पेपर सेकंड कंप्लीट तैयार हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। आप 2019 का पेपर उठा के देख लो, 18 का उठा के देख लो, 17 का उठा के देख लो, 13 के बाद के पेपर उठा के देख लो। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ के अगर पेपर देने जा रहे हो, तो अगर पॉलिटी के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके सॉल्व होंगे लक्ष्मीकांत की किताब से। आपको करना क्या है, करंट के जितने भी इश्यूज है, जैसे अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मुद्दा है, पिछले साल कैट वाला मुद्दा आ गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आपको लगेगा भाई कैट का तो चैप्टर दिया हुआ है लक्ष्मीकांत की किताब में, तो मैं, आप अपने उस भ्रम को दूर कर लेना, वो कैट वाला चैप्टर खोल लेना और जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो देख लेना। सिर्फ कैट लिखा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत में उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स में जितने भी साल डेढ़ साल के इश्यूज होंगे, जुडिशियरी के जजमेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो समय समय पर उभर के आते रहेंगे, उन मुद्दों के साथ आपको बेयर एक्ट से या लक्ष्मीकांत के साथ मिला के एक बड़ी समझ पैदा करनी है। तभी ये आपको एक अच्छी समझ पैदा होगी पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की। अदरवाइज लक्ष्मीकांत भी अगर बहुत अच्छी किताब है पीटी के लिए, उसके अलावा आपका काम भी नहीं चलेगा पॉलिटी में, मैं साफ बोलता हूं। लेकिन मेंस के लिए वो सिर्फ एक पहला पायदान है, उसके ऊपर आपको 2-3 पायदान और चढ़ने होंगे। वो पायदान आप अगर खुद से चढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अनअकैडमी को अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शन है। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस 49,500 है, 2 ईयर की 72,000, 3 ईयर की 90,000। अगर मेरे रेफरल कोड नवीन 1, याद रखना ये रेफरल कोड है नवीन 1, इसको अप्लाई करते हो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड आइकॉनिक है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000।
फिर से अगर मेरा रेफरल कोड नवीन वन यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि नवीन सर लगातार आपको इतना क्वालिटी कंटेंट देते रहे, आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी में आपके में साथ बना रहा हूं, तो आपको एक काम जरूर करना होगा कि आपको नवीन वन, जब भी आप एडमिशन ले अनअकैडमी में, नवीन वन कोड को जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, मेरी मेंटरशिप और मैं उतना ही दूर तक और उतना ही ज्यादा लंबा मैं आपका साथ दे पाऊंगा। अनअकैडमी ने वो सारी की सारी शक्ति आप बच्चों के हाथ में दी है, तो आपको ही नवीन वन कोड यूज करना है। आप अगर चाहते हैं नवीन सर लंबा पढ़ाए, देर तक आपको गाइड करते रहे, तो आपको ये कोड यूज करना होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो नवीन वन कोड यूज कीजिए और मेरी क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_naveentavar वहां पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट।